हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संतोष चौबे। टुडे वी शैल डिस्कस ए वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज विमेन रिजर्वेशन, एक 2023 महिला आरक्षण विधेयक, सॉरी आरक्षण अधिनियम 2023, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सो मेनी वीडियोस हैव बीन मेड, सो मैनी स्कॉलर्स हैव गिवन देयर ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक। यह जो मामला है यह लंबे समय से चलता रहा है, क्योंकि इसका जो पहला बिल था यह 19 सितंबर 2023 को भारत के संसद के एक विशेष सत्र के माध्यम से लोकसभा में लाया गया था। तब से लेकर अब तक इस पर लगातार चर्चाएं हो रही है, बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो वीडियो बनाने जा रहा हूं इसमें मेरा एक अलग सा प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि जिस नारी को हम लोग माँ के रूप में जानते हैं, बहन के रूप में जानते हैं, बेटी के रूप में जानते हैं, जिसे एक प्रेमिका और जिसे पत्नी के रूप में भी जाना जाता है, जिसने अपना जो अपना पूरा जीवन इस समाज को, अपने परिवार को संवारने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है, जो यह हम उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जो इस अधिनियम के माध्यम से उन्हें हमारी विधायिका में जगह देने की बात की जा रही है, क्या इसके पीछे राजनीतिक दलों की नेक नियति है? क्या वो सच्चे मन से ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं, या फिर उसके पीछे उनका राजनीतिक दांव पेच है, वे राजनीतिक लाभ कमाना चाहते हैं, वे अपने राजनीतिक हितों का प्रबंधन करना चाहते हैं? तो हम लोग इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन मैं नारी के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। मैंने कई बार क्लासेस में इसको बताया भी था, एक बार फिर से मैं सिर्फ दो, ज्यादा नहीं टाइम कर लूंगा, दो शब्द कहना चाहूंगा कि जिंदगी की दुखद दास्तान है लड़की, जिंदगी की दुखद दास्तान है लड़की, लाश के साथ दफनाई समान है लड़की, बुझे दिए से ही रोशनी की तलाश करती, समाज के कायदे कानून पर कुर्बान है लड़की। जलती बुझती एक मरुस्थल की रेत सी, वर्षों से बिरानी एक जंगली खेत सी, पुरुष समाज के जाल में फंसी एक मीन सी, अंदर ही अंदर चीखती चिल्लाती परेशान लड़की, अंदर ही अंदर चीखती चिल्लाती परेशान लड़की। क्या सच में हम एक एक अच्छे इरादे के साथ में नारियों का उत्थान करना चाहते हैं, या हमारा जो इरादा है, हमारी जो नियति है, जो हमारी नियत है, वह नियत कुछ और ही है? हम लोग इस पे बात करेंगे विस्तार के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिए गए, या जो 106 संविधान संशोधन किया गया इसके लिए, और उसके माध्यम से भारत के संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, यह जो पूरा मामला है, यह मामला क्या है, और हम लोग फिर इसके बाद बात करेंगे कि वास्तव में जो उनको दिए जाने की बात की जा रही है, वह जो कुछ हम देना चाह रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें भारत में नारियों की बात करें, स्त्रियों की बात करें, तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बार 1931 में जब भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दलों से, लोगों से विचार मांगे जा रहे थे, ठीक उसी समय भारत की दो महान महिलाएं, एक थी आपकी आज की पाकिस्तान में की जो है शाहनवाज हुसैन, और दूसरी थी भारत की कोकिला, जिसको हम लोग कहते हैं सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू और शाहनवाज हुसैन, इन दोनों लोगों ने ब्रिटेन की सरकार से महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग विधायिका में किया था। और मैं बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 1937 में जब विधानसभाओं के चुनाव हुए राज्यों के, तो वहां पर महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित भी की गई, लेकिन भारत की महिलाओं ने इस बात को हमेशा से स्वीकार किया है कि उन्हें सिर्फ आप बराबरी का दर्जा दो, उन्हें सिर्फ साथ में दौड़ने के उनको जो है पूरे के पूरे बराबरी के साथ उनको दौड़ने का अधिकार मिलना चाहिए, बाकी बात उनको उनको किसी विशेष प्रकार की कोई तवज्जो या विशेष प्रकार कोई छूट नहीं चाहिए। और यही कारण है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में जब इस मुद्दे पे बहस होने लगी, तो मैं बताना चाहूंगा कि रेणुका रेजी ने सीधे स्पष्ट रूप से कह दिया था कि विमेन ऑफ इंडिया डू नॉट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन, जो भारत की महिलाएं हैं वो किसी प्रकार की आरक्षण नहीं चाहती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत करके गई मुस्लिम लीग के सदस्य थे आपका, उन्होंने भी कह दिया था कि भारत में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को इस बात की तसल्ली है
कि हमें भारत में जो है वो बराबरी का दर्जा मिल रहा है संविधान के माध्यम से, बाकी बाद हमें कोई विशेष प्रकार की छूट नहीं चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, समय जो आगे बढ़ता चला गया, 1951-52 का पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, उसमें भारत की 26 महिलाएं जो है लोकसभा के लिए चुनाव जीत करके आई थी। वहां से लेकर अभी तक अगर बात करें हम लोग, तो धीरे 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 लोकसभा की सीटें भी बढ़ी, महिलाओं की सीटें भी बढ़ी, महिलाओं का जो है लोकसभा और जो आपके राज्यसभा विधानसभाओं में है उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ा, जो आपका 2000 अगर हम बात करें 19 के चुनाव में, तो महिलाएं जो है लोकसभा में चुनकर जो महिलाएं थी आई हैं वो उसकी संख्या है 82। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम इसको देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए अगर हम इस पर विचार करें गणता के साथ में, तो लोकसभा में महिलाओं की जो प्रतिशत है वो सिर्फ 15% अर्थात 15% है, राज्यसभा में सिर्फ 14% महिलाएं जो है वह महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और यदि हम विधानसभाओं की बात करें तो भारत की विधानसभाओं में कुछ विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी जो है 15-16% है, लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में महिलाओं की भागीदारी जो है वो 10% से भी कम है। जिस राज्य में, जिस देश में महिलाएं जो है वह 48-49% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो समाज को बढ़ाने में इतना सहयोगी की भूमिका निभा रही है, उस वैसे देश में अगर महिलाओं के को जो है 15% प्रतिनिधित्व अगर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं कहना चाहूंगा ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, ये लोकतंत्र के लिए अन्यायपूर्ण जैसी स्थिति है, तो इसके लिए उपाय किए जाने चाहिए थे। सबसे पहला इसके लिए बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे पहला जो उपाय किया गया भारत की सरकार के द्वारा, वह उपाय था 1992 का 73वां-74वां संविधान संशोधन, जब महिलाओं को जो स्थानीय निकाय है, चाहे वह शहरीय स्थानीय निकाय हो चाहे ग्रामीण स्थानीय निकाय हो, इन सभी में उनको आरक्षण दिया गया 33%। उसके लिए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243D के माध्यम से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, और 243T के माध्यम से जो शहरी निकाय है, मतलब जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका है आपका, उसमें आप कह सकते हो टाउन आपका जो आपका नगर निगम है, नगर आपका परिषद है, और इसी प्रकार से आपका नगर पंचायत है, इन नगर पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें, और साथ ही साथ गांव में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और साथ साथ जिला पंचायत में 1/3 सीटें इनके लिए आरक्षित की गई। लेकिन लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण की दिशा में कोई इस प्रकार कदम उठाया नहीं गया। इस प्रकार से जब 1996 का चुनाव हुआ और 96 के चुनाव में एक नई सरकार आई थी कांग्रेस के इतर, जिस सरकार के मुखिया बनाए गए थे आपके HD देवगौड़ा, हरदन हल्ली देवगौड़ा देवगौड़ा, तो HD देवगौड़ा साहब के संयुक्त मोर्चा की जो सरकार थी, उस सरकार ने 12 सितंबर 1996 को भारत के लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए एक विधेयक लेकर के आई। लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों से यह विधेयक पास नहीं पाया, सरकार भी कुछ दिनों के बाद चली गई, फिर इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार बनी, फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में जब फिर से आपके प्रधानमंत्री बनाए गए, तो उन्होंने 1998 में इसका एक विधेयक लेकर के आए। इसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक उनकी जो सरकार रही, उस सरकार के माध्यम से 3 बार यह प्रयास किया गया, फिर 2004 में UPA की सरकार आ गई, उसने 2004 में बिल लेकर आए, 2008 में बिल लेकर आए, कुल 6 बार इसके पहले प्रयास हो चुके थे, लेकिन किसी भी प्रयास में सफलता नहीं मिली। 2019 में जब मोदी जी की सरकार, 2014 के बाद मोदी जी की सरकार फिर 2019 में आई, तो इस सरकार ने यह जो है वादा किया था कि हम आएंगे तो महिलाओं के लिए का रिजर्वेशन का जो बिल है उस बिल को हम फिर से लाएंगे और उसको हम पारित कराएंगे। और सौभाग्य से बताना चाहूंगा कि लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा दोनों में इनका बहुमत भी है, और भारत के आधे राज्य, मतलब भारत के, बताना चाहूंगा कि भारत के 16 राज्यों में BJP की सरकारें हैं, तो उनको ही पता था कि हम आराम से संविधान में संशोधन कराकर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण के प्रावधान करा देंगे, और उसके लिए 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, और विधेयक ला करके इस विधेयक को पारित करा दिया गया, और पारित कराने के बाद बताना चाहूंगा कि 28 आपका जो सितंबर है 2023 भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर साइन बना दिया, और उसके बाद उसको 29 तारीख को गजट में उसको छपवा दिया गया, और गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह बन गया प्रकार का कानून। तो मैं बताऊं कि यह संशोधन विधेयक, पहले बताऊं आपको कि
जो संशोधन में क्या संविधान में क्या संशोधन किया गया है। देखिए, एक तो भारत के संविधान में 106 संविधान संशोधन आपका पारित हो गया। इस 106 संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 330 ए जोड़ा गया है, 332 ए जोड़ा गया है, 334 ए जोड़ा गया है और 239 जो ए है उसमें एक सब क्लॉज जोड़ दिया गया है, 1BB और 1CC और 1AA 1BB 1CC करके जोड़ा गया है। अब देखो इसमें क्या बातें मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जो अनुच्छेद 239 जो ए है उसमें जो सब क्लॉज जोड़ा गया है उसमें दिल्ली की जो विधानसभा है उन दिल्ली की विधानसभाओं में के लिए प्रावधान किया गया कि 1/3 सीटें जो होगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। बाकी बात अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 330 ए के माध्यम से कि महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी और अनुसूचित जाति जनजाति की जो महिलाएं होंगी उनकी सीटें भी, अनुसूचित जाति जनजातियों को जो आरक्षण दिया गया उसमें उनके लिए भी 1/3 सीटें आप जो है रिजर्व की जाएंगी। इसी प्रकार से 332 ए में विधानसभाओं में महिलाओं के 1/3 आरक्षण की बात की गई है और 334 ए में यह प्रावधान किया गया है कि यह जो बातें की जा रही है यह अगली जनगणना के बाद होगी और उसके बाद यह जो अगला परिसीमन होगा, परिसीमन आयोग आएगा। आपको बताना चाहूंगा कि 2026 तक भारत में जो परिसीमन आयोग है उसका गठन नहीं किया जा सकेगा। कारण यह है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से हम लोगों को फ्रीज कर दिया है कि 2026 तक भारत में कोई भी परिसीमन आयोग नहीं आएगा और जो लोकसभा विधानसभा की जो सीटें राज्यों को दी गई हैं वो सीटें ऐसे कंटिन्यू रहेंगी। अब यहाँ पर देखो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भी मामला है इसमें बिल तो पारित हो गया या कानून बन गया है और यह जो, लेकिन यह लागू कब होगा? तो यह लागू होगा आपको परिसीमन 2026 के बाद जो नया परिसीमन आयोग आएगा उसके बाद, मतलब 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा और उसके बाद जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे वहां से इसको लागू किया जाएगा। अब यहां पर देखो सवाल जो मेरा है वह यह है कि जो सरकार, ये बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने कल अब भाषण में यह कहा कि यही सही समय है और यही समय है और सही समय है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि यही समय है सही समय है, क्योंकि चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभाओं का चुनाव है और जो मामला आप ला रहे हो यह जो आप महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात हुई है यह तो अगले लोकसभा चुनाव के बाद नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहला इसमें जो सवाल यहाँ निश्चित रूप से उठता है वो खड़ा होता है वो यह होता है कि क्या जिन पार्टियों के लोग, कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हमने अभी प्रयास किया था और हम भी इसका समर्थन कर रहे हैं, अन्य पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया, एक प्रकार से कहा जाएगा कि सिर्फ अगर लोकसभा में दो विरोधी मतों को छोड़ दिया जाए तो लोकसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो गया, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पास हो गया, पूर्ण सर्वसम्मति के साथ पास हो गया, क्या राजनीतिक दल नारियों के इतने खैर ख्वाह हैं क्या? माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। वर्ष 2019 का लोकसभा का चुनाव कुल मिला के 8,049 कैंडिडेट जो है लोकसभा के चुनाव में खड़े हुए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। मैं बताना चाहूंगा इसमें से स्त्रियों को कितनी सीटें दी गई थी, 715 सीटें, जो लगभग 8% के आसपास बैठती है। अगर राजनीतिक दलों को नारियों की इतनी ही चिंता होती, स्त्रियों की इतनी चिंता होती तो उन्हें वहां पर 30% सीटें, 35% सीटें जो है अपनी पार्टी के अंदर से भी दे देना चाहिए था। कानून पारित कराने की जरूरत ही क्या है? इसी प्रकार से जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के जो लोग हैं जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने स्त्रियों के सशक्तिकरण की दिशा में इतना बड़ा कदम उठा दिया, तो मेरा यह कहना है कि आप ये बताएं कृपया करके कि लोकसभा का जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें आपने 543 सीटों में से सिर्फ महिलाओं के लिए 53 सीटें ही क्यों रिजर्व रखा? कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने 543 सीटों में महिलाओं के लिए सिर्फ 54 सीटों को आरक्षित, सिर्फ 54 सीटें ही महिलाओं को क्यों दिया? और उसमें भी जिनको दिया गया है उनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनका पारिवारिक जो है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, साधारण महिलाओं को, साधारण घर से आने वाले महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूं किसी राजनीतिक पार्टी में कोई विशेष स्थान नहीं है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य निर्णायक बॉडी है जिसको हम लोग एक्सिक्यूटिव आपका एक्सिक्यूटिव काउंसिल कहते हैं उसकी, तो जो बीजेपी की कार्यकारिणी परिषद है उस कार्यकारिणी परिषद में कुल मिलाकर के 80 सीटें हैं, 80 में से सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की संख्या 12 है।
कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो 39 सदस्य हैं उनमें से सिर्फ महिलाओं की संख्या जो है 6 है। और मैं आपको बता दूं, इनमें से अधिकांश वे लोग हैं जो किसी न किसी परिवार के ऐसे परिवार से आते हैं जिन परिवारों का बहुत बड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि है। मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा निश्चित रूप से कि देखिए, जब तक हम नेकनीयति के साथ में काम नहीं करेंगे, भारत की महिलाओं का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। आज भारत की महिलाएं जो भी आगे बढ़ रही हैं, वस्ती आगे बढ़ रही है, उनके परिवार के लोग उनके साथ खड़े हो गए हैं, परिवार के लोग जो है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस कारण से वो आगे बढ़ रही हैं। उनके अंदर जो है इच्छा शक्ति बहुत पहले से है। जब तक परिवार के लोग, जब तक महिलाओं को भारत की विधायिका के माध्यम से, भारत की जो है कार्यपालिका के माध्यम से, भारत के परिवार के लोगों के माध्यम से, या पुरुष प्रधान जो सोच है उस सोच के माध्यम से, जब तक उनको हम आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, मैं कहता हूं उनको समर्थन मत दो, मैं कहता हूं उनका सहयोग मत करो, लेकिन उनका पैर मत खींचो। जब हम उन्हें बराबरी का दर्जा नेकनीति के साथ दे देंगे तो मैं कहता हूं किसी प्रकार के कोई रिजर्वेशन आरक्षण की कोई भी जरूरत नहीं है। भारत में महिलाओं को जहां कहीं मौका मिला है उन्होंने अपने आप को साबित किया है, और मुझे लगता है कि राजनीतिक का जो आरक्षण का जो खेल है ये बंद होना चाहिए। कभी अनुसूचित जातियों का आरक्षण दिया जाता है, कभी जनजातियों का आरक्षण दिया जाता है। अब यहां पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनको आपने कहां पर आरक्षण दिया। मैं कहता हूं भाइयों, किसी को आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है। आप नेकनीयति के साथ में काम करना शुरू कर दो, ये भारत की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। और अगर आरक्षण कोई समाधान होता तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज अनुसूचित जाति के लोग जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं उस प्रकार का जीवन उनको जीने को नहीं मिलता। जनजाति के जो लोग हैं उनका जीवन जिस प्रकार का है वो उनका जीवन नहीं होता। क्या भारत के 75 साल के इतिहास में क्या हम भारत के अनुसूचित जाति जनजातियों का उत्थान नहीं कर सकते थे क्या? आज का भारत तो ये अंग्रेजों के काल का भारत बदला भाई कुछ नहीं है। केवल हम अपनी सरकार चला रहे हैं यही बदल गया, यही केवल परिवर्तन हो गया। बाकी बात ऐसी, जो अंग्रेजों की सोच जैसे लोग थे वो आज भी भारत में मौजूद हैं, और निश्चित रूप से वे भारत में चाहे कोई भी दावे करें, लेकिन मेरा वही फिर सवाल है कि जब तक नेकनीति से काम नहीं होगा, आपके द्वारा किए गए सारे दावों का कोई मतलब निकलेगा, सारे दावे आपके खोखले साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।